बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल CCTV सिक्योर कैंपस GPS एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल्फ कोचिंग स्टेम प्रैक्टिस स्कोरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड मेनी मोर एडमिशन ओपन। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने अपने काम करने का अंदाज बदल दिया है। संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है। यही नहीं, मतदान प्रभावित करने वालों को तलाशना भी शुरू कर दिया है। फरार चल रहे बदमाशों और अराजक तत्वों पर भी पुलिस की नजर है। निकाय चुनाव में ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा जो किसी भी तरह से मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ऐसे विवादों पर भी पुलिस की नजर है जो चुनाव के दौरान उभर सकते हैं। इतना ही नहीं, असलाह जमा कराने संबंधी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अवैध शराब और अवैध असलाह अथवा अन्य किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने वालों पर पुलिस ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। अगर कोई माहौल बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस की क्या तैयारियां हैं? आई इंडिया को इसकी जानकारी सीतापुर SP घोले सुशील चंद्रभान ने दी। वायलेशन से उसको लेकर के जो ज्वाइंट टीम बनाई गई है जिसमें SDMs भी है CEOs भी है हमारे, वो लगातार कार्रवाइयां कर भी रहे हैं। इसके अलावा जो चुनाव को प्रभावित कर सकते ऐसे अगर कोई अपराधी है तो उनका भी चिन्हीकरण कराया जा रहा है। ऐसे पुराने विवाद जो कि चुनाव के दौरान उभर सकते हैं उनको भी हम चिन्हित करा रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर 107-16 में पाबंदी उनकी कराई जा रही है। उसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं उसमें असला जमा कराने की भी कार्रवाई के संबंध में आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं तो उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके तहत जो जिन लोगों के असला जमा होने हैं उसकी भी कार्रवाई पुलिस ने प्रारंभ कर दी है। जो आयोग और मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्देश दिए हैं उसके क्रम में पुलिस लगातार जो अवैध शराब है या अवैध असला है या अन्य तरीके के जो कार्य है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।